हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ कि आप सब बढ़िया ही होंगे और बढ़िया ही रहना। दोस्तों, मेरा नाम नीरज परिहार है, मैं J&K से हूँ और बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ। ऑन पैसिव मेरी लाइफ में इसी साल फेब के महीने में आया और मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि ऑन पैसिव मेरी लाइफ में आया। अब वो क्यों, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रोहित सर का कि जिनके थ्रू ये सिस्टम, ये कंसेप्ट मेरे को मिला। क्योंकि कोई भी चीज़ हमको लाइफ में मिलती है तो किसी ना किसी के जरिए कोई ना कोई माध्यम होता है, तो वो माध्यम रोहित सर थे जिनके द्वारा ये सिस्टम मुझे मिला। और मिलने के बाद मेरी भी बुद्धि जो थी वो सही ठिकाने पे थी कि मैं उसको समझ पाया। नहीं तो अच्छी चीज मिलने के बाद कई लोग होते हैं वो उसको छोड़ देते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। क्या क्या हुआ मैं आपको आगे बताऊंगा। रोहित सर के अलावा हरपाल सर हैं और उसके बाद जावेद जाफरी सर हैं, इनके साथ भी मेरी बात हुई। उसके बाद अमर सलाद सर हैं और गुरुराज सर, कैसे भूल सकता हूँ मैं, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया और मुझे ये सिस्टम बारीकी से समझाया। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर आदमी, देखो, अगर आपको किसी चीज का नॉलेज लेना है ना तो उसके एक्सपर्ट के पास जाओ। ऐसा नहीं है कि अगर आपको बाल काटने हैं तो आप लोग जाते हो किसी टेलर के पास। नहीं, वो हमको नॉलेज है कि अगर बाल काटने हैं तो हमको नाई के पास जाना है। क्यों? क्योंकि वो मास्टर है उसमें। अगर आपको टेलरिंग की दुकान पे जाना है तो आपको पता है वहां पे आपने कपड़े लेके जाना है, भाई अपने बाल काटने नहीं जाना है। तो वैसा ही ये चीजें मेरे को अपनी लाइफ में पहले ही पता थी कि अगर किसी चीज के बारे में समझना है तो उसके एक्सपर्ट से मिलो, उनसे समझो, तभी आप उस कंसेप्ट को समझ पाओगे। मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ कि ऐसे लोगों का साथ मिला, इन्होंने मुझे टाइम दिया और कंसेप्ट को मुझे बड़े बारीकी से समझाया। और मुझे ये कंसेप्ट इतना बेहतरीन लगा कि पूरे ब्रह्मांड में इससे बढ़िया कंसेप्ट ना हो सकता था, ना हो सकता है, ना ही कभी होगा। और वो क्यों, वो मैं आपको, आपके सिर्फ 5-6 मिनट लूंगा, आप ध्यान से मुझे सुनना। और अगर आपको लगेगा लास्ट में कि नहीं, ये चीज हो नहीं सकती है, ये हवा में बात कर रहा है, तो मैं एग्री करूंगा आपकी बात से। लेकिन प्लीज वो एनालाइज करने के लिए पूरी वीडियो देखना और समझना कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। देखो, मैं एक टीचर हूं और साथ साथ में मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में भी काम कर रहा हूँ एज ए पार्ट टाइम। लेकिन अगर मैं कर रहा हूँ पार्ट टाइम एक टीचर होने के नाते भी, तो मेरा गोल क्या है? मेरा गोल है इनकम, पैसा, मनी। अगर मेरा गोल है तो वो आपका भी गोल है। अगर मैं टीचर हूँ, आप भी टीचर हो, नहीं हो डॉक्टर हो, नहीं हो फार्मर हो, अगर आपकी शॉप है, आप एडवोकेट हो, आप कुछ भी हो, आपका प्रोफेशन कोई भी है, लेकिन एट द एंड हम सबका गोल ये है कि हमको पैसा चाहिए। प्रोफेशन अलग अलग हो सकता है बट गोल एक ही है। और क्या हम वो गोल अचीव कर पा रहे हैं आज के टाइम में? हमारे सपने बहुत बड़े हैं लेकिन इनकम क्या वो मैच हो पा रही है? और आज के टाइम में जो ये पैंडेमिक चल रहा है, कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कई लोग जो लाख लाख रुपए का, 5-5 लाख रुपए का जो पैकेज लेते थे, आज वो जीरो हो गए हैं, घर पे बैठे हैं। आप मुझे बताइए, कोई सिक्योरिटी है? हम लोग 40-50 हजार की जिंदगी में नौकरी करते हैं, पूरी उम्र निकल जाती है, सपने बहुत बड़े होते हैं, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म है? नहीं है। और ऑन पैसिव की मैं बात कर रहा हूं यहां पे, जब ये सिस्टम मेरे पास आया, मैं बिल्कुल मतलब कि चकरा गया कि ये सिस्टम आज से पहले मेरे पास आया क्यों नहीं। जिस चीज के लिए हम दौड़ रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, जिस चीज के लिए हम दौड़ रहे हैं, पैसिव इनकम, वो ये कंपनी हमको 100% दे रही है। और मैं अगर आपको बताऊं कि ऑन पैसिव एक IT सेक्टर की कंपनी है जो कि डिजिटल टूल्स बना रही है, और ये क्या देने वाली है हमको, मैं आपको थोड़ा सा बारीकी से समझाता हूं। अगर इस टाइम पे ये पेंडेमिक है, हम लोगों की नौकरियां चली गई है, बिजनेस हमारे ठप हो गए हैं, दुकानें बंद पड़ी पड़ी हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, यहां कोई इनकम सोर्स ही नहीं है, लेकिन आज भी डिजिटल जो दुनिया है पैसा कमा रही है। लोग यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं, लाखों रुपया कमा रहे हैं। लोग डिजिटल दुनिया में
पता नहीं कितना पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हम लोग जो फिजिकल काम कर रहे हैं वही सरवाइव करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसा क्यों? अगर आज के टाइम में आप लॉकडाउन में भी व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, यूट्यूब यूज कर रहे हो, फेसबुक यूज कर रहे हो, जूम में कहीं ना कहीं आप मीटिंग कर रहे हो किसी के साथ, तो वहां से इनकम आ रही है सर आपको? नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने ये सिस्टम बनाया और हम लोगों को यूजर बना दिया। एक आदमी जिसने ये सिस्टम क्रिएट कर दिया और पूरी दुनिया में हम जैसे यूजर यहां पे आ रहे हैं, फ्री टाइम में भी आ रहे हैं, कुछ काम करने भी आ रहे हैं, मैसेज शेयर कर रहे हैं, यूट्यूब पे अपना मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं कमा रहे हैं। लेकिन ये जो कंपनी है ऑन पैसिव, ये हमको अपॉर्चुनिटी दे रही है एज ए फाउंडर बनने का, एज ए कंपनी का पार्टनर बनने का। अगर सपोज करो आप कि मार्क जुकरबर्ग, जब फेसबुक अपना उनके पास आईडिया आया था और उसी टाइम एक आम आदमी के लिए वो अपॉर्चुनिटी खोल देता कि आइए इस कंपनी के साथ जुड़िए एज ए फाउंडर, और आज उस टाइम पे अगर हम लोग उस कंपनी के फाउंडर बन जाते, आज इस पेंडेमिक में आपकी इनकम कितनी होती, मेरी इनकम कितनी होती, सोचिए सर कितनी होती? हजारों में होती, लाखों में होती, करोड़ों में होती। लेकिन उन लोगों ने ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाया ही नहीं कि जिसमें एक आम आदमी आके जुड़ सके। लेकिन ऑन पैसिव में ऐश मुफरा सर हैं, जो इस कंपनी के फाउंडर हैं, सीईओ हैं, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया कि वो बोलते हैं कि मार्केट में हम आएंगे, ये प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, लेकिन लोग इसके साथ जुड़ेंगे एज ए यूजर। लेकिन आप आज जुड़ जाते हो, आप कंपनी के मालिक बन जाते हो, फाउंडर बन जाते हो, जैसा कभी अलीबाबा ने भी ये सिस्टम चलाया था। आज उसके फाउंडर करोड़पति खरबपति हैं, जैसा कि फेसबुक ने भी अपने तीन दोस्तों को फाउंडर बनाया था, आज उसके वो तीन दोस्त खरबपति हैं और नाम सिर्फ मार्क जुकरबर्ग का आता है। वैसा ही सिस्टम आम आदमी के लिए ऑन पैसिव ने खोला है कि हम मार्केट में तो आएंगे, लेकिन तब आप एज ए यूजर रहेंगे। आज जुड़ जाते हो तो कंपनी के मालिक बन जाओगे। आप जैसे आज व्हाट्सएप यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, जूम यूज करते हो, हमारे प्रोडक्ट्स पूरे वर्ल्ड में लोग यूज करेंगे, लेकिन आपकी इनकम एज ए फाउंडर हजारों में नहीं, करोड़ों में होगी तब, और वो टाइम बहुत जल्दी आने वाला है। तो मेरा आप लोगों के साथ सिर्फ यही निवेदन है कि अगर आपके लाइफ में गोल्स बहुत बड़े हैं, पैसिव इनकम कमाना चाहते हो, तो दिस इज अ राइट प्लेटफॉर्म, आ जाइए। नहीं आएंगे तो पूरी उम्र आप सिर्फ पछताते रहेंगे कि क्यों मैंने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। और दूसरी बात मैं करूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग समझते हैं कि हम लोग, जैसे मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा हूं और मुझे उसका बहुत डेप्थ का नॉलेज है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग समझते हैं कि ये ऑन पैसिव जो लोग बोलते हैं कि ये कोई धंधा है लोगों को जोड़ने का, ये कोई स्कैम है, ये कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम है। यू आर रॉन्ग। नेटवर्क मार्केटिंग ऑन पैसिव नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये एक प्योर बिजनेस है। यहां लोगों को जोड़ा नहीं जाता है। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं और किसी के साथ अगर आप जुड़ जाते हो, किसी को 1 रुपया नहीं आएगा। जैसे वो फाउंडर है वैसे आप भी फाउंडर बनेंगे। अगर वो कंपनी का पार्टनर है उतने ही आप भी बनेंगे, जितनी इनकम उसको आएगी उतनी आपको भी आएगी। एक नेटवर्क मार्केटिंग में आदमी जुड़ता है, उसके बाद वो टीम बनाता है, उसके बाद उसकी टीम में रीपरचेज होती है, वो कंपनी को बिजनेस देता है, उसके बाद उसको इनकम आती है। ऐसा नहीं है कि आपने 5,000 लोग जोड़ दिए और कोई रीपरचेज नहीं हुई आपके पास, तो कंपनी आपको हर साल इनकम देगी? नहीं देगी। नेटवर्क मार्केटिंग में आप कंपनी के साथ जुड़ते हैं, उसके बाद टीम बनाते हैं, उसके बाद रिपर्चेज करते हैं, रिपर्चेज करने के बाद कंपनी को बिजनेस देने के बाद फिर आपके घर में पे आउट आता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर 100 आदमी जुड़ते हैं तो हर आदमी के पास स्किल नहीं होता है कि वो लोगों के साथ बात कर सके, इंटरेक्शन कर सके, ना झेल सके, ठीक है? इसीलिए वही 2-3 चंद लोग वहां पे कामयाब होते हैं, जो लोग जिनका स्किल अच्छा होता है, जो बात कर सकते हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है, वही लोग कामयाब होते हैं। लेकिन मेजोरिटी ऑफ जनता वहां पे कामयाब नहीं होती है। लेकिन यहां ऑन पैसिव में उल्टा है, आप कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं, कंपनी आपके लिए लोगों को लाती है क्योंकि आप कंपनी के पार्टनर हैं, फाउंडर हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको काम करना पड़ता है, बट एज ए पार्टनर यहां जुड़ जाते हो आप, तो आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो आपने अपनी जिंदगी में कभी सपना देखा था जिसका। तो प्लीज इसको कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है ही नहीं। उल्टा ये नेटवर्क मार्केटिंग जो कंपनीज
रन हो रही है वो इसके टूल्स यूज करेंगी। हम नेटवर्क मार्केटिंग के कंपटीटर नहीं है, वी आर पार्टनर्स, और ये बहुत जल्दी होने वाला है। जो समय पे समझ गया वो बहुत आगे जाएगा, और जो नहीं समझेगा वो बाद में हाथ अपने मलता रहेगा और पछताएगा कि अपॉर्चुनिटी मैंने मिस क्यों की। इसलिए इस कंसेप्ट को समझिए, डीपली जाइए। जैसा मेरे साथ हुआ, अच्छे लोगों से मैंने ज्ञान लिया, वैसे ही आप भी अच्छे लोगों से ज्ञान लीजिए, समझिए और इस कंसेप्ट के साथ जुड़िए। ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस शेयर करने का है। जितना हम पार्टनर कंपनी के बन रहे हैं उतना आप भी बनोगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी।